नमस्कार उत्तराखंड, आज फिर स्वरोजगार की एक कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड कितनी नेमतों से भरा हुआ है। आप ये देखिए, ये है आड़ू का पेड़। अब आड़ू आप देख सकते हैं किस तरह से लगदग हैं। इस आड़ू की खास बात यह है कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है और आप देख सकते हैं पूरा जंगल में, देखिए घर के पास ही अच्छा उगा हुआ है, कितने सारे आड़ू इसमें लगे हुए हैं। आड़ू अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद, औषधीय गुणों से भरपूर एक फल है। कॉन्स्टिपेशन, इम्यून सिस्टम्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, इसके अलावा आड़ू जो है अपने आप में इसका जैम, इसकी चटनी, इसका अचार बहुत अच्छी ढंग से बनाया जा सकता है। आप देखिए ये पेड़ कितना ज़्यादा लकदक हो रखा है आड़ू का, और हम अपनी पहाड़ की नेमतों को भूलते जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने स्वरोजगार को अपनाएं। आप जिस तरह से हम जो यहाँ पर भाग करके आए हैं, भागे नहीं, जिस तरह से मैं यहाँ पर आकर के पहले ही 2 साल पहले बस गया था और मैंने ये आड़ू का पेड़ लगाया, मैंने हिसर का पेड़ लगवाए, मैंने हिसर की झाड़ियाँ बनवाई। हिसर भी देखिए आपका झाड़ी लगी हुई है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस स्वरोजगार को दिशा में कदम उठा करके अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और किसी की नौकरी के ऊपर डिपेंड ना रहें। इसी के साथ उत्तराखंड की इस धरती को, जिसने हमको इतनी नेमतें बसी हैं, मैं नमन करता हूं और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।